गुड़गांव में 24 अप्रैल को सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जाना है। 10 किलोमीटर लंबी इस दौड़ का मकसद न केवल शहर बल्कि प्रदेश में भाईचारे का संदेश देना है। सद्भावना दौड़ में शामिल होने वालों के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। दौड़ में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा भी दिख रहा है। प्रदेश में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल को दौड़ का आयोजन साइबर सिटी गुड़गांव में कराया जा रहा है। आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, साथ ही दौड़ में हिस्सा लेने के लिए लोगों का जबरदस्त रुझान भी देखने को मिल रहा है। सद्भावना दौड़ 10 किलोमीटर लंबी होगी। इस दौड़ में किसी भी उम्र का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। मैं आपको और ऑर्गेनाइजर जो है उनको पहले तो अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और सभी गेमों के खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूँ कि एथलेटिक्स तो सभी गेमों में जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी सद्भावना दौड़ में भाग लें। 400 के करीब खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। सद्भावना के लिए गुड़गांव की ये दौड़ सेक्टर 5 के हुडा ग्राउंड से शुरू की जाएगी। दौड़ में हिस्सा लेने के लिए लोगों का उत्साह अभी से देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जा रहा है। सद्भावना दौड़ में मुख्य अतिथि के तौर पर खेल विभाग के अतिरिक्त सचिव के खंडेलवाल भी शिरकत करने के लिए गुड़गांव पहुंचेंगे। अभी 450 के करीब रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और मेरा अनुमान है कि शायद 1000 से ऊपर बच्चे 24 तारीख तक आ जाएंगे जो इस सद्भावना दौड़ में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक 450 से ज्यादा लोगों ने सद्भावना दौड़ के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आयोजकों को उम्मीद है कि भाईचारे का संदेश लेकर इस दौड़ में हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। साथ ही दौड़ में जीतने वालों के लिए इनामी राशि भी रखी गई है। पहले स्थान के लिए 21,000 रूपए, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए 25,000 और 11,000 रूपए इनाम में दिए जाएंगे। गुड़गांव से राज वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।